210 किलो वेट उठाने से फिटनेस फ्रीक और बॉडी बिल्डर की गर्दन टूटने से हुई मौत। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन वो तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते जब उनकी मौत हुई थी। इन तस्वीरों में आप भी देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बॉडी बिल्डर वेट उठाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। और ये जो इसकी गर्दन पर आप वेट देख रहे हैं, ये 210 किलो वेट है। 210 किलो वेट और गर्दन पर उठा के बेंच स्क्वाड करना, और देखिए आप जब ये स्क्वाड कर रहे हैं उसके बाद में जब ये सीधा होते हैं तो इनका बैलेंस बिगड़ जाता है। बैलेंस बिगड़ने की वजह से जो है इनकी गर्दन की हड्डी टूट जाती है और इनकी मौत हो जाती है। और सबसे पहले आप ये देखें कि आजकल फिटनेस फ्रीक किसे नहीं बनना। जिस बच्चे की जुबान पर देखें, मैं जिम जाता हूँ, मैं फिटनेस फ्रीक हूँ, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, मुझे अपनी बॉडी का ध्यान रखना है। लेकिन अपनी बॉडी का आप ध्यान रखें, आप फिजिकली फिट भी रहें, कोई आपको मना नहीं करता, लेकिन वेट उतना ही उठाएं जितना आप में एक स्ट्रेंथ हो वेट उठाने की। लोग अपने दोस्त को देखकर उससे कंपटीशन करना चाहते हैं और उससे ज्यादा वेट उठाना चाहते हैं, तो फिर जब आप ज्यादा वेट उठाते हैं तो इसी तरह से मौत हो जाती है। आप देखिए कि 33 साल के बॉडी बिल्डर है, कितनी ट्रेनिंग इन्होंने ली है, और इनकी बॉडी आप देखिए, इनकी बॉडी को कोई देख के कह नहीं सकता कि इनकी बॉडी जो है वो अच्छी नहीं है, या इनके एब्स अच्छे नहीं है, या इनके मसल्स अच्छे नहीं है। सब कुछ अच्छा है, लेकिन जरूरत से ज्यादा वेट उठाना, और वेट उठाते हुए जब ये स्क्वाट करने के लिए नीचे आते हैं और स्क्वाट करके जब ऊपर जाते हैं तब इनका बैलेंस बिगड़ जाता है। आप जो लोग जिम जाते हैं वो ये जानते हैं कि वेट उठाने के लिए ट्रिक का होना बहुत जरूरी है। जब ये वेट उठा रहे हैं, आप जानते हैं कि 210 किलो इन्होंने जो वेट उठाया है, जब ये नीचे जाते हैं उसमें अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखना, अपने मसल्स को स्टिफ रखना, और उसके साथ साथ नीचे जो आपका बैक पोर्शन है वो सीधा रहना, और जब आप वहां पर नीचे स्क्वाट कर ऊपर आ रहे हैं तब आपका बैलेंस से लेकर आपकी जो हड्डी है और उसके साथ जो आपका पोस्चर है वो सही होना चाहिए। अगर आपका पोस्चर सही नहीं होगा तो इसी तरह के हादसे देखने को मिलेंगे। अमूमन जिम से आपको ऐसे खबरें देखने को मिलती है कि कार्डियक स्ट्रोक की वजह से हार्ट अटैक हुआ और इन्होंने अपनी जान गंवा दी। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी जिम में हार्ट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं। लेकिन अब इस खबर को देखने के बाद जो फिटनेस फ्रीक है उनकी आंखें खुल जानी चाहिए। जो फिटनेस फ्रीक है वो अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं कि बॉडी की स्ट्रेंथ इतनी नहीं है लेकिन फिर भी इतना वेट उठाना है, क्योंकि लोगों को सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो दिखानी है कि देखो मैं इतना वेट उठाता हूँ। इस सोशल मीडिया के चक्कर में आपने देखा कि इनकी जान भी चली गई और बहुत से लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा देते हैं। और आपको ये भी बता दें कि ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। ये वीडियो इसीलिए भी पब्लिक शेयर कर रही है जमकर और सोशल मीडिया पर इसीलिए भी है ताकि वो अपने बच्चों को अपने दोस्तों को दिखा सके कि इतना ज्यादा वेट उठाने से क्या हो सकता है। 210 किलो वजन उठाने से बॉडी बिल्डर जस्टिन विकी की गर्दन टूट गई और गर्दन टूटने के बाद उनकी मौत हो गई। ये एक मशहूर बॉडी बिल्डर है और मौत के दौरान ये जिम में ही थे और ज्यादा वेट उठाने से गर्दन की हड्डी टूटी है और 23 साल इनकी उम्र है और इनका नाम है जस्टिन विकी। अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर यानी इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर है और फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी है। और बॉडी बिल्डर जस्टिन विकी जिम में वजन उठा रहे थे तब इनका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था, यानी लोगों को वीडियो तो दिखाना ही था कि देखिए मैं इतना ज्यादा वेट जो है वो उठा सकता हूँ। जस्टिन विकी की उम्र 33 साल है और 210 किलोग्राम वजन उठाने की कोशिश कर रहे थे। और आपको बता दें कि बारबेल जो इन्होंने वेट उठाया उसे बारबेल कहते हैं। ये बारबेल उन्होंने उठाई है और इसी के दौरान आपको ये भी बता दें कि जब ये उठाते हैं तब उठाकर नीचे की तरफ होने की कोशिश करते हैं और नीचे जाते भी हैं, लेकिन नीचे जाते हुए जो है फेफड़ों की जिस तरह से बात करते हैं, जब ये सीधा होने की कोशिश करते हैं तब इनकी गर्दन टूट जाती है और इसी दौरान दिल और फेफड़ों की नसें दब गई और थोड़ी ही देर बाद उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हॉस्पिटल से पहले उनकी मौत हो गई थी। दुर्घटना के वक्त जस्टिन इंडोनेशिया के बाली जिम में जो है वो कसरत कर रहे थे, यानी जस्टिस जो है वो इंडोनेशिया के बाली जिम में कसरत कर रहे थे। और जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि जस्टिस की मौत सिर्फ और सिर्फ ज्यादा वेट उठाने की वजह से हुई है, जिससे इनके फेफड़ों की नसें और दिल की नसें जो दब गई और उसी वजह से हुई है। और एक्सपर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि वेट लिफ्टिंग के दौरान हमेशा दर्द महसूस हो। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आपको वेट उठाते हुए दर्द महसूस हो तो वेट मत उठाइए, रुक जाइए, रेस्ट कर ले, वेट कम कर ले, उतना वेट ना उठाएं। लोगों की नस खिंचाती है, लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। हालांकि ये जस्टिन विकी थे जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। ऐसे बहुत से वीडियो हैं हार्ट स्ट्रोक वाले। अगर आप जिम जाते हैं, अपनी
हेल्थ का ख्याल रखें, इतना ज्यादा वेट ना उठाएं कि जिसके बाद ऐसा हो जाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बच्चों को दिखाइए जो जिम जाते हैं, उन्हें भेजें ये वीडियो। और ये वीडियो ये दर्शाता है कि जितनी जरूरत हो उतना ही वेट उठाए, जितनी जरूरत हो इतनी एक्सरसाइज करें। कोई भी काम जरूरत से ज्यादा अच्छा नहीं, कोई भी एक्सरसाइज जरूरत से ज्यादा अच्छा नहीं। अगर जस्टिन विकी की आप ऐसे तस्वीर देखते हैं तो माशाल्लाह इतने खूबसूरत, इतने मसल वाले, इतने बॉडी बिल्डर और फिटनेस फ्रीक लगते हैं, लेकिन ऐसी बॉडी का क्या फायदा कि अपनी जिंदगी के साथ ही उन्होंने खिलवाड़ कर लिया। ये वीडियो इंडोनेशिया का है और काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। अपने बच्चों को वीडियो दिखाएं, जो जिम जाते हैं वो भी दूसरों को ये वीडियो दिखाएं और जिम जाने वाले खुद भी देखें। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्बुलेटा न्यूज़। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को शेयर करने के बाद अपनी निजी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।